फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। और आज मेरे सामने खड़ी है जी MG की हेक्टर प्लस, और ये MG हेक्टर प्लस का 100 ईयर वाला एडिशन आपको देखने को मिल जाता है। अब इस एडिशन के अंदर आपको क्या नया देखने को मिलता है, क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या कुछ प्राइसिंग देखने को मिलती है, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल इसके जो इंजन स्पेसिफिकेशन है उन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फुल एक रिव्यू को, जानते हैं इस बेहतरीन से प्रोडक्ट के बारे में कि ऑफर क्या क्या कर देता है। की बात कर लेते हैं, कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाती है। लॉक अनलॉक के बटन आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ से अगर आप देखेंगे टेलगेट आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। बाकी दोनों ही की आपको जो है स्मार्ट की देखने को मिल जाती है। फ्रंट ग्रिल की बात कर लेते हैं, कुछ इस तरीके की एक मैसिव फ्रंट ग्रिल देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। बाकी यहाँ के साइड आपको फ्लोटिंग टाइप जो है इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे, ब्लैक क्रोम यहाँ यूज़ किया मिलता है, और दो प्रोजेक्टर देखने को मिल जाएंगे, दोनों ही LED बेस्ड है। और नीचे की साइड आपको जो है कुछ लाइटिंग का सेटअप भी देखने को मिल जाता है, वो भी LED बेस्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे गोल्डनिश फिनिश जो है इसकी लिप पे जो है लगाया गया है, एडास का आपको पूरा ही सेटअप यहाँ देखने को मिल जाता है। और ओवरऑल जो लुक्स है ना गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन, और ग्रीन कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऊपर की जो रूफ है पूरी ही ब्लैक मिलती है, और जो बॉडी है वो पूरी ही आपको ग्रीन कलर में देखने को मिल जाए। बाकी बात करते हैं व्हील साइज की, तो इसके अंदर जो कैलिपर है ना वो रेड मिलता है, 215/55 R18 इंचेस का एक पियानो ब्लैक फिनिश में एलॉयज मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। बाकी साइड में क्लैडिंग देखने को मिल जाएगी, नीचे के साइड स्कर्टिंग देखने को मिल जाती है, ORBM फोल्ड एंड फोल्ड ये हो जाते हैं। एक ये फीचर भी है, जैसे ही आप गाड़ी के पास जाते हैं अपने आप ही गाड़ी जो है अनलॉक हो जाती है, दूर जाते ही अपने आप गाड़ी जो है लॉक हो जाती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है। बाकी ऊपर सनरूफ मिल जाती है, रूफ रेल्स देखने को मिल जाएंगे, ओवरऑल आप साइड प्रोफाइल देख सकते हैं, और जैसे ही मैं दूर गया गाड़ी से वैसे ही जो है गाड़ी लॉक हो गई है। पीछे की साइड भी आपको जो है डिस्क का सेटअप देखने को मिल जाएंगे, और जो पीछे वाला डिस्क है वो भी आपको जो है रेड देखने को मिल जाएगा। कि यहाँ के साइड आपको फ्यूल लिट देखने को मिल जाएगा, पेट्रोल वेरिएंट है ये। कि रियर प्रोफाइल देखने को मिल जाती है, पूरी ही कनेक्टेड लाइटें मिल जाएगी, वाइपर डिफॉगर हाई माउंट स्टॉप लैंप शार्क फिन एंटीना सारी ही चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। और जो टेल गेट है ना, जैसे ही मैं इसके मतलब पास गया ऐसे गया, तो ये गाड़ी का जो टेल गेट है अपने आप ही जो है अनलॉक हो गया। तो आप जो है यहाँ से इसको पहले मैं बंद कर देता हूँ, रिफ्लेक्टर और पीछे के लिए फॉग लैंप्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं, चार पार्किंग सेंसर, 360 कैमरा आपको इस गाड़ी के अंदर प्रॉपर देखने को मिल जाता है। और यहाँ के साइड आपको एक बड़ा सा क्वार्टर पैनल मिल जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, जब आप इसकी थर्ड रो में बैठते हो तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा एरीनेस जो है फील होता है गाड़ी के अंदर। अब एक बार इसके डायमेंशन की बात करते हैं, तो डायमेंशन आपको जो है ऊपर लिखे हुए आ जाएंगे, तो आप इसके डायमेंशन जरूर देख सकते हैं, ओवरऑल गाड़ी के डायमेंशन के बारे में जरूर जान सकते हैं। अब एक बार चलते हैं जी इसके इंटीरियर में, कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम देखने को मिल जाता है, स्पीकर का सेटअप, और यहाँ भी ट्विटर का सेटअप देखने को मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, डोर से ऐसे ओपन हो जाएंगे। ड्राइवर साइड वाला जो विंडो है ऑटो डाउन ऑटो फंक्शन के साथ देखने को मिल जाती है, यहाँ से आप ग्रैब करके डोर बंद कर सकते हैं, बॉटल होल्डर मिल जाता है। और यहाँ के साइड आपको जो है एक बेहतरीन सिस्टम देखने को मिल जाता है, बेसिकली ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसकी जो सीट एडजस्टमेंट स्पीड है ना भाई, बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरीके से हो जाती है। जैसे इसको मैं आगे कर रहा हूँ और ऊपर के साथ साथ नीचे भी होती रह रही है, मतलब मल्टी फंक्शन वाला बटन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। कई गाड़ियों में ये होता है कि जैसे कि अगर आप आगे कर रहे हो तो साथ के साथ आप इसको ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन इसमें अगर मैं पीछे कर रहा हूँ या नीचे कर रहा हूँ इसको पीछे भी कर सकता हूँ साथ के साथ। बाकी अगर आप यहाँ देखेंगे 100 ईयर एडिशन वाला आपको जो है पूरे एड्रेस देखने को मिल जाता है। अब एक बार चल लेते हैं इसके इंटीरियर में, फिर बात करते हैं मेन अट्रैक्शन के बारे में जो इसके इंटीरियर है। आ गए हैं जी इंटीरियर में, और बात कर लेते हैं इंटीरियर की, तो इंटीरियर में आपको जो है कुछ इस तरीके का स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है जो कि फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, पूरा ही लेदराइट स्टिचिंग के साथ देखने को मिल जाएगा। यहाँ क्रूज कंट्रोल आपको देखने को मिल जाते हैं, और वहीं अगर हम बात करते हैं इस साइड, तो आपको म्यूजिक सिस्टम से रेट कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, और एक बड़ी सी डिस्प्ले इसके अंदर देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर हल्का सा ग्रीन शेड भी आपको देखने को मिलेगा। और 100 ईयर एडिशन वाला पूरा ही आपको एनिमेशन वगैरह और हर एक चीज़ आपको यहाँ अलग से देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर हम बात करते हैं, सारी चीज़ें आपको जो है एक डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगी, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों ही इसके अंदर चल जाता है, और AC भी आप यहीं से जो है ऑपरेट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, व्हीकल सेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग जो है सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। कि अगर आप देखेंगे सनरूफ के तीन मोड देखने को मिल जाते हैं, क्लोज वेंट ओपन, तो जो है आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से भी जो है आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें यह भी ऑप्शन आता है कि 10% करना है, 20% करना है, या फिर बिल्कुल ही ओपन रखना है आपको। CVT ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है, यहाँ आपको कुछ नॉब देखने को मिल जाएंगे वेंटिलेटेड सीट से रिलेटेड और ट्रैक्शन कंट्रोल से रिलेटेड। जब भी गाड़ी आपकी धूप में खड़ी रहेगी, AC मैक्स बटन जैसे आप ऑन करेंगे, जितने भी ब्लोअर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज रिएक्ट करने लग जाएंगे और आपकी गाड़ी को जल्दी से जल्दी ठंडा करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि मैंने AC मैक्स वाला बटन प्रेस किया तो ब्लोअर्स जो है इसके काफ़ी ज़्यादा तेज हो गए हैं, जिसके वजह से मतलब ये होगा कि गाड़ी बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाएगी। यहाँ देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, ऑटो होल्ड मिल जाएगा, और आगे का फ्रंट पार्किंग का जो है बटन देखने को मिल जाता है, रियर इवेंट्स का आपको देखने को मिल जाएगा बटन,
और यहाँ आपको जो है कुछ स्पेस मिल जाता है आर्मरेस्ट का, और आर्मरेस्ट जो है इसकी स्लाइडिंग देखने को मिल जाएगी, और यहाँ एक शटर मिल जाता है जिसके अंदर दो कप होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर हम बात करते हैं स्टीयरिंग की, तो कुछ इस तरीके का स्टीयरिंग देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगी, टिल्ट मिल जाता है, टेलीस्कोपिक एडजस्ट ये नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके क्लस्टर की, तो कुछ इस तरह का क्लस्टर देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ आपको अलग से सेटिंग वगैरह देखने को मिल जाती है, वार्निंग मैसेज और ड्राइविंग ब्राइटनेस वगैरह अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। मल्टीमीडिया किसी से भी कनेक्ट है तो वो भी आपको इसके अंदर दिखता रहेगा। बाकी बीच में स्पीडोमीटर और यहाँ के साइड आपको आरपीएम मीटर साइड में आपको सारी ही वार्निंग शो करता रहेगा, रिलेटेड पेट्रोल और हीट कितना जो है गाड़ी के अंदर बढ़ चुका है, फिर वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर शो करता रहेगा। बाकी इधर की बात करते हैं, यहाँ आपको इल्यूमिनेशन जो है कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं इस डिस्प्ले की, और यहाँ आपको लाइट लेवलर मिल जाता है, यहाँ से टेलगेट आप इसका ओपन कर सकते हैं, और ORVM जो है आप यहीं से जो है इसका फोल्ड अनफोल्ड और एडजस्ट आप यहीं से ही इसका कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड हो जाएगा और यहाँ से जो है आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर की साइड पूरा ही AC वेंट्स का सेटअप देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ नीचे एक वायरलेस चार्जर मिल जाएगा, और यहाँ की साइड एक आपको सॉकेट भी मिल जाता है चार्जिंग के लिए, एक USB सॉकेट इधर देखने को मिल जाएगा और एक USB सॉकेट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ऑक्स वगैरह आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। बाकी ऊपर पूरा ही सॉफ्ट टच इसके अंदर जो है दिया गया है। ओवरहेड यूनिट की बात करते हैं, IRVM है, ऑटो डिमिंग के साथ आएगा। बाकी इधर की बात करेंगे तो आपको जो है पूरा ही सेटअप मिल जाएगा लाइट से रिलेटेड, यहीं से ही आप जो है सनरूफ इसकी ओपन कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं, यहाँ से आप शेड इसका खोल बंद कर सकते हैं दोनों बटन से, और इसके अंदर आपको सनग्लास होल्डर के लिए स्पेस मिल जाता है, और यहाँ के साइड आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाएगा ड्राइवर साइड जिसके अंदर आपको LED बेस्ड लाइट भी मिल जाएगी, और इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी एक वैनिटी मिल जाता है विद लाइट, और ये पूरा ही सॉफ्ट टच इसके अंदर ऑफर किया गया है। ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो कि एक अच्छे खासे साइज के साथ आपको देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं सीटों की, तो ये प्रॉपर लेदराइट सीटें इसके अंदर ऑफर की गई है। इस पार्ट की भी बात करते हैं तो MG 100 ईयर एडिशन आपको जो है पूरे यहाँ बैज देखने को मिलेगा। ओवरऑल सीट की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट भी आप यहाँ देख सकते हैं, और एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी मिल जाती है। ये सारी चीज़ें आपको आगे देखने को मिल जाएगी, और इन्फिनिटी का स्पीकर का सेटअप देखने को मिल जाता है। अब एक बार इसके पीछे वाले रियर सीट की बात कर लेते हैं, कितना कुछ स्पेस आपको इसके रियर सीट के अंदर देखने को मिलता है। चलते हैं जी पीछे और बात कर लेते हैं पीछे वाले रो के स्पेस के बारे में, क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ट्रिम की बात कर लेते हैं, फुल्ली ब्लैक कलर का डोर ट्रिम इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ये पूरा ही सॉफ्ट टच इसके अंदर देखने को मिलता है। यहाँ आपको बॉटल होल्डर मिल जाएगा, स्पीकर का सेटअप, यहाँ ट्विटर का सेटअप, यहाँ से डोर्स इसके ओपन हो जाएंगे, और यहाँ अगर आप देखेंगे पूरा ही सीट्स का सेटअप देखने को मिल जाता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे तीनों ही साइड, 60-40 मिलता है आर्मरेस्ट के अंदर, दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं। इंटीरियर में आ चुके हैं और बात कर लेते हैं स्पेस की, तो नी रूम काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिलता है, थाई सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेग स्पेस काफ़ी बेहतरीन मिलता है, पॉकेट मिल जाएगी, AC वेंट्स मिल जाते हैं, USB सॉकेट इसके नीचे आपको देखने को मिल जाता है, और उसी के नीचे स्पेस मिल जाएगा फ़ोन होल्डर से रिलेटेड। नी रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और जो सीट है ना नीचे से आप जो है इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप बात करते हैं डैशबोर्ड का लुक, कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ऊपर एक पैनोरामिक का पूरा ही एक व्यू देखने को मिल जाता है, पूरा ही मून व्यू आपको देखने को इसके अंदर मिल जाएगा। कि यहाँ आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाएगा और एक केबिन लैंप आपको यहाँ देखने को मिल जाता है LED बेस्ड, और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर हम बात करते हैं थर्ड रो की, तो थर्ड रो के अंदर भी जो है एक अच्छा खासा डिसेंट स्पेस मिल जाता है जिसके अंदर जो है आराम से जो बच्चे हैं वो बैठ सकते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं हेडरूम की, तो हेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा। अब एक बार इसके बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, जब थर्ड रो इसकी ओपन रहेगी तब कितना बूट स्पेस रहेगा, और जब थर्ड रो ऑफ रहेगी तब कितना बूट स्पेस रहेगा। एक बार मैं आपको बूट स्पेस दिखा भी देता हूँ, तो बूट स्पेस एक्सेस करने के लिए एक सिंपल सा बटन जो है आपकी चाबी में दिया हुआ है, और वो जो है बटन काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अब एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक डेमो, मेरे पास जो है की है, यहाँ जैसी मैं इसको प्रेस करके रखूँगा जो इसका टेल गेट है अपने आप ही जो है अनलॉक हो जाएगा, और मैं आपको स्पेस दिखा सकता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक है, कुछ इतना स्पेस मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा है। मतलब अगर आप देखोगे ना, तो थर्ड रो होने के बाद भी जो है एक बेहतरीन स्पेस इसके अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी जैसे ही आप इसकी थर्ड रो को भी फोल्ड कर देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी थर्ड रो है ना भाई, बिल्कुल ही फ्लैट सी हो जाती है, जिसकी वजह से स्पेस जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज सा हो जाता है। बाकी अगर आप देखोगे ना, पीछे की साइड भी जो है AC वेंट्स आप कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, AC वेंट्स भी देखने को मिल जाते हैं दोनों ही साइड। यहाँ चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है जो कि है जी इसका USB सॉकेट, और बॉटल होल्डर भी मिल जाएगा, ट्रंक लैंप यहाँ देखने को मिल जाता है। बाकी स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्पेस से कोई रिलेटेड आपको कमी फेस करनी नहीं पड़ेगी। इस बटन से जो है आप इस गाड़ी का टेल गेट जो है बंद कर सकते हैं।
अब एक बार इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। इसने ओपन कर दिया है 1.5 लीटर का एक टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है, 4 सिलेंडर इंजन है, लगभग 141 bhp निकाल के देता है और 250 nm का टॉर्क निकाल के देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। और MG का टर्बो इंजन जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सा रहने वाला है। ओवरऑल इसकी साइलेंटनेस आपको जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब साइलेंट इंजन है, पावर ज़्यादा है, ओवरऑल आपको जो है अच्छा खासा जो है एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी इंसुलेशन भी पूरी गाड़ी के अंदर दी गई है, अगर आप इस वाले पार्ट की भी बात करते हैं ये भी पूरा ही इंसुलेटेड पार्ट दिया गया है। इस वाले पोर्शन में भी अगर आप देखते हैं पूरे ही पैक्ड ये जो है आपको पोर्शन देखने को मिल जाता है। बाकी माइलेज के बारे में बात कर लेते हैं, लगभग 13 से 14 तक की माइलेज हाईवेज के अंदर निकाल के देगा और लगभग 9 से 10 तक की एवरेज आपको जो है सिटी के अंदर निकाल के देगा। काफी ज्यादा बेहतरीन इंजन रहने वाला है। वीडियो में मैंने सारी चीजों के बारे में बात कर लिया है, प्राइसिंग के बारे में जो है बात करना रह गया है। अभी जो प्राइसिंग इसके अंदर रहने वाली है लगभग 22 लाख रुपए इसकी एक्सशोरूम रहने वाली है और ऑन रोड जाते जाते लगभग 25 लाख रुपए तक की गाड़ी जो है ऑन रोड पहुंच जाती है दिल्ली के अंदर। तो प्राइसिंग आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। बाकी गाड़ी के अंदर फीचर्स की कोई कमी नहीं है, ओवरऑल स्पेस भी काफी ज्यादा बेहतरीन है और लुक्स तो आपके सामने ही है। बाकी मिलते हैं, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।